हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा तीसरी का विषय पर्यावरण अध्ययन लेके आए हैं। इसके अंतर्गत आपको हम अंकुर समूह से संबंधित जो अभ्यास पुस्तिका है उसे पूर्ण कराएंगे। यह निपुण भारत के तहत है और यह राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की है। और किस सत्र के लिए बनाई गई है? सत्र 2023-24। तो बच्चों, आज हम आपको कक्षा तीसरी अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन का अध्ययन कराएंगे। इसमें किस प्रकार से आपको कार्य करना है वह बताएंगे। आपकी विषय सूची डली हुई है, आप उसमें सप्ताह में कितने सप्ताह दिए हैं यह देखना है। इसमें आपको समथिंग 30 सप्ताह दिए हैं। 30 सप्ताह में आपको इस अभ्यास पुस्तिका, कौन सी अभ्यास पुस्तिका? अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 की पूर्ण करना है। और इसमें प्रत्येक सप्ताह में एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं आपको मालूम है। सप्ताह 1, सप्ताह 2, सप्ताह 3, सप्ताह 4, सप्ताह 5, सप्ताह 6, सप्ताह 7। तो इस प्रकार से एक कितने दिवस का सप्ताह होता है? 6 और 7 कितने दिन का हो गया आपका? 6 दिन का एक सप्ताह हो गया, जिसमें संडे छूट गया सप्ताह, फिर दूसरा चालू होगा। तो इस प्रकार हमने आपके लिए आज जो अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के लिए क्या है, यह सत्र 2023-24 के लिए है और इसे मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आपको आज हम सप्ताह एक का दिवस एक की जो वर्कशीट है, वर्कशीट एक बताएंगे। इसमें क्या दिया है? सबसे पहले आपको दिया है रेडीनेस सप्ताह एक। क्या करेंगे इसमें हम? रेडीनेस सप्ताह एक। उसके बाद सीखने के बिंदु दिए हैं। सीखने के बिंदु में क्या बताया आपको? परिवार एवं मित्र को जानना, जो सीखने का बिंदु है इसमें परिवार और मित्र को जानना है। इसके बाद हम चर्चा करो इसका अभ्यास क्रमांक एक। अभ्यास क्रमांक एक क्या कह रहा है, चलिए उसको पढ़ लेते हैं हम। इसमें दिया है, मधु कक्षा 3 की छात्रा है, वह एक संयुक्त परिवार में रहती है। उसके परिवार में माता पिता, दादा दादी और एक बड़ा भाई है। मधु के पिता होटल में बावर्ची हैं, उसकी माँ घर संभालती है। मधु और दादाजी बाजार से सामान लाते हैं। मधु का भाई बीमार दादी को दवा खिलाता है और घर के कामों में माँ की मदद करता है। मधु पेड़ पौधों की देखभाल करती है। मधु की सहेली मोनू है। मोनू के पिता खेती करते हैं। मधु के परिवार में सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो ये क्या दिया आपको चर्चा करने को? अभ्यास एक में मधु के बारे में बताया गया है। क्या बताया मधु के बारे में? मधु कक्षा 3 की छात्रा है, वह एक संयुक्त परिवार में रहती है। संयुक्त परिवार मीन्स क्या होता है? जिसमें दादा दादी, माता पिता, भाई बहन सब मिलकर रहते हैं, तो वो कौन सा परिवार कहलाता है? संयुक्त परिवार। उसके परिवार में माता पिता, दादा दादी और एक बड़ा भाई है, इसलिए उसे क्या कहा गया? संयुक्त परिवार। मधु के पिता होटल में बावर्ची हैं। जो मधु है, जो कक्षा तीसरी की छात्रा है, उसके पिता होटल में क्या है? बावर्ची हैं। उसकी माँ घर संभालती है। किसकी माँ? मधु की माँ घर संभालती है। मधु और दादाजी बाजार से सामान लाते हैं। जो मधु है और उसके दादाजी हैं, वो बाजार से क्या लाते हैं? सामान लाते हैं। और अब बचा कौन? भाई। मधु का भाई बीमार दादी की को दवा खिलाता है और घर के कामों में माँ की मदद करता है। मधु पेड़ पौधों की देखभाल करती है। मधु की सहेली कौन है? मोनू। मोनू के पिता खेती करते हैं। मधु के परिवार में सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं। क्या कह रहा है? मधु के परिवार में सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो इस प्रकार से एक अभ्यास एक दिया हुआ था। अब इसके कुछ प्रश्न बने, इन प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। जैसे पहला प्रश्न क्या दिया है, मधु के परिवार में कौन कौन है, तो आप बता सकते हैं, हमने इससे पढ़ लिए। मधु के परिवार में माता पिता, दादा दादी और एक बड़ा भाई है। फिर तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मधु बाजार से सामान किसके साथ लाती है, तो आप बता सकते हैं, मधु बाजार से सामान दादाजी के साथ लाती है। फिर तीसरा प्रश्न है, घर के काम कौन कौन करते हैं, तो घर के काम ऐसे सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन आप बता सकते हैं कि घर के काम माँ और भाई करते हैं। फिर इसके बाद मधु का क्या काम है, तो मधु का क्या काम है यहाँ पे लिखा है, देखो, मधु पेड़ पौधों की देखभाल करती, तो आप लिख सकते हैं मधु पेड़ पौधों की देखभाल करती है। उसका क्या काम है? पेड़ पौधों की देखभाल करना। फिर पाँचवा प्रश्न है, मोनू कौन है, तो मोनू कौन है? मोनू मधु की सहेली है। तो इस प्रकार से पांचों प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। अब आपके पास प्रश्न आ रहा है कि अब इनका उत्तर कहाँ लिखें, यहाँ उत्तर के लिए तो जगह नहीं है, क्या साइड में लिख लें क्या? नहीं, आप क्या करेंगे, एक आपकी कॉपी बनाएंगे या नोटबुक बनाएंगे, उसमें प्रश्न लिखेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर
आप उस कॉपी में पहले प्रश्न लिख दिए, प्रश्न नंबर एक, फिर उत्तर, प्रश्न नंबर दो, फिर उत्तर, प्रश्न नंबर तीन, उत्तर। तो इस प्रकार से आप लिखना भी जान जाएंगे या सीख जाएंगे लिखना, आपकी राइटिंग में या लिखावट में भी सुधार आएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो हमने इसके प्रश्न के उत्तर लिखे भी बताएं आपको। देखिए पहला प्रश्न क्या था, मधु के परिवार में कौन कौन है, तो आप उत्तर बता देंगे, मधु के परिवार में माता पिता दादा दादी और एक बड़ा भाई है। प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर दो है मधु बाजार से सामान किसके साथ लाती है, तो आप उत्तर बताएंगे, मधु बाजार से सामान उसके दादाजी के साथ लाती है। प्रश्न नंबर तीन क्या कह रहा है, घर के काम कौन कौन करते हैं, तो आप बता सकते हैं घर के काम माँ एवं भाई करते हैं। फिर अगला प्रश्न है मधु का क्या काम है, मधु पेड़ पौधों की देखभाल करती है। अगला प्रश्न है मोनू कौन है, तो मोनू मधु की शैली है। इस प्रकार पांचों प्रश्न के उत्तर आप नोटबुक में अपनी जो कॉपी बनाएंगे उसमें नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलो अभ्यास कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्या है करो अभ्यास टू। अभी इसके पहले हमने अभ्यास एक किए, अब अभ्यास दो देखिए। इसमें क्या दिया है, दिया गया चित्र मधु के परिवार का है। ये जो चित्र दिया गया है ये चित्र किसका है बेटा, मधु के परिवार का है। चित्र में दिख रहे लोगों से मधु का क्या संबंध है, ये चित्र में जैसे जो दिख रहे हैं इनका मधु से क्या संबंध है। दिए गए परिवार वृक्ष, ये परिवार वृक्ष दिया है, देखिए ये वाला परिवार वृक्ष में चित्र में लिखिए, तो आप बता सकते हैं कि जो मधु का परिवार है इसमें ये कौन हो गए, दादा दादी माता पिता, और ये कौन हो गया, भाई, और ये मधु स्वयं है। तो आप बता देंगे दादी दादा माता पिता और भाई ये कौन हो गए, मधु का परिवार या परिवार वृक्ष हो गया। तो इस प्रकार से परिवार वृक्ष के जो पत्ते हैं उसमें आप लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलिए, फिर अभ्यास तीन आ रहा है। अभ्यास तीन में क्या दिया है पढ़िए बच्चों से, मधु की तरह आपका भी एक परिवार है, अपने परिवार का एक प्यारा सा चित्र बनाइए। जैसे अभी हमने मधु के परिवार का चित्र बनाए थे, ये बनाए देखिए, इसी प्रकार आपको क्या करना है, अपने परिवार का एक चित्र बनाना है। जो जो आपके परिवार में है वह चित्र बना देंगे। तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं, ये चित्र बना लिए, यहाँ लिख दिए दादा दादी माता पिता और भाई बहन, तो ये हमारा परिवार के सदस्य हैं उनके बारे में लिख देंगे। तो ये मेरा परिवार यानी अभ्यास क्रमांक तीन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला क्या है, अभ्यास क्रमांक चार। अब अभ्यास क्रमांक चार में क्या दिया है, खाली जगह में सही शब्द छाँट कर लिखिए। जो खाली जगह है उसमें हमें सही शब्द छाँट कर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जिस परिवार में केवल माता पिता और बच्चे रहते हैं वह खालिस्तान परिवार कहलाता है। आपको यहाँ से उत्तर छाँटना है, एकल या संयुक्त, तो आप उत्तर बताएंगे कौन सा परिवार कहलाता है, एकल परिवार कहलाता है। जिस परिवार में केवल माता पिता और बच्चे रहते हैं वह कौन सा परिवार कहलाता है, एकल परिवार कहलाता है। और जिस परिवार में दादा दादी चाचा चाची माता पिता और भाई बहन सभी मिलकर रहते हैं वह क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। फिर सेकेंड प्रश्न देखिए, आपकी माँ की माँ आपकी खालिस्तान है। जैसे जो आपकी माँ है और उनकी जो माँ है यानी आपकी मम्मी की मम्मी आपकी क्या कहलाएगी, दादी या नानी, तो आपका सही आंसर आ जाएगा नानी। यहाँ से देख के बता देना है आपको क्या आएगा, नानी, और यहाँ नानी लिख देंगे। मधु के परिवार के मुखिया खालिस्तान है, जो सबसे अधिक बुजुर्ग होते हैं या जो बड़े होते हैं वह क्या कहलाते हैं, परिवार के मुखिया कहलाते हैं। और यहाँ मधु के परिवार में सबसे बड़े कौन थे, उनके दादाजी है, इसलिए मधु के परिवार के मुखिया खालिस्तान हैं, दादाजी हैं। तो कहाँ से देख के लिखेंगे, यहाँ से दादा जी। फिर अगला प्रश्न है, परिवार में एक साथ रहने वाले लोग घर के खालिस्तान कहलाते हैं, मेहमान सदस्य, तो आप क्या बताएंगे, सदस्य कहलाते हैं। परिवार में एक साथ रहने वाले लोग घर के क्या कहलाते हैं, सदस्य कहलाते हैं। और मेहमान कौन कहलाते हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य नहीं है वह क्या कहलाते हैं, मेहमान कहलाते हैं, जो बाहर से कुछ दिनों के लिए हमारे घरों में आते हैं। तो इस प्रकार आपका अभ्यास क्रमांक चार यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अभ्यास क्रमांक पाँच देखिए, इसमें क्या कह रहा है, अपने जन्मदिन पर आप अपने किन किन दोस्तों को अपने घर बुलाओगे, उनके नाम लिखिए। तो आपको यहाँ अपने आधार पर कर देना है कि आपका जब जन्मदिन है आप अपने जन्मदिन पर किन किन दोस्तों को बुलाएंगे, अपने घर बुलाएंगे, उनके नाम कहाँ लिख देना है आपको यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, आपको एक उदाहरण के रूप में बताया, एग्जाम्पल के रूप में बताया, मैं अपने जन्मदिन पर राम राजा मोहन कमल आदि दोस्तों को बुलाऊंगा। आप अपने दोस्तों को जिसे भी बुलाएंगे उनके नामों को यहाँ लिखेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने राम राजा मोहन कमल आदि लिख दिया तो आप बी से लिख दें। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका अभ्यास क्रमांक पाँच कंप्लीट होता है, और अभ्यास क्रमांक पाँच चार फिर तीन दो एक, ये अभ्यास क्रमांक एक, ये आपको पाँच अभ्यास हमने यहाँ पूर्ण कराए। और ये सप्ताह पहला सप्ताह जो रहेगा उसका पहला दिवस यानी पहला दिन रहेगा,
तो पहले दिन आपको इतना कार्य करना है और ये वर्कशीट एक है और ये आपका रेडीनेस सप्ताह एक था। और इस सीखने के बिंदु में आपको क्या परिवार और मित्र के बारे में बताया गया था। इस प्रकार बच्चों ये आपकी जो कक्षा तीन अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह एक कंप्लीट होता है। सप्ताह एक का पहला दिवस कंप्लीट होता है। यदि आपको यह जो वीडियो है हम आपको बना के बताएं यह अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।